फ्रेंड्स दिस इज़ आकांक्षा सिंह वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन के टेक्सटाइल के हमने अबाउट टू वन फिफ्टीन टू वन एट सारी वन फिफ्टीन क्वेश्चन हमने कवर किए हैं वन लाइनर क्वेश्चन तो वीडियो सारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे तो आप उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन इसके जितने भी वन लाइनर नोट्स हैं मेरे पास मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये सारे एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सटेंशन वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम तो एक्सटेंशन वर्ड कहाँ से लिया गया है लैटिन लैंग्वेज लैटिन से और एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है एक्स मीन्स बाहर निकालना ठीक है एक्स मीन्स आउट टेंशन टेंशन हम बोलते हैं ना कि जब बहुत आ, एक मीन्स खींचना टेंशन मीन्स तनाव खींचना तो जो भी हमारा एजुकेशन है जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो एजुकेशन हमें मिल रहा है उस एजुकेशन को बाहर निकालना मीन्स बाहर अप्लाई करना उसको इसको बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स जो भी हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज हम कॉलेज में देख रहे हैं जो हमें प्रैक्टिकल हम कॉलेज में कर रहे हैं उनको रियल लाइफ में आगे अप्लाई करना उसको यूज़ करके कोई नया काम करना या कोई भी लाइक like पॉलिसी होना उस पर काम करना तो ये है एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन मीनिंग क्या है जो भी हमारा एजुकेशन है जो भी हमारे हमारा नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बाहर ये है एक्सटेंशन एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड फर्स्ट यूज बाय सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1873 में देन एक्सटेंशन एजुकेशन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ हु सेट दिस ये बताया गया है कि एक्सटेंशन एजुकेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हैं ये किसने कहा है ये कहा है ओपी धामा ने ओपी धामा की बुक है एक्सटेंशन एजुकेशन की उसी में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है नेक्स्ट है एंड्रोगोगी is इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग is इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग किसको एडल्ट जो एडल्ट को जो पढ़ाने का तरीका है जो उनको टीच करने का तरीका है उसको बोलते हैं एडल्ट लर्निंग इज़ और जो एडल्ट लर्निंग है जो एडल्ट्स कैसे सीखते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड जब एडल्ट्स जो एडल्ट एज में है उनको जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम के थ्रू सीखते हैं कि ये प्रॉब्लम से कैसे डील करना है प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है तो जो एडल्ट लर्निंग होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है और अगर हम बात करें चाइल्ड की तो चाइल्ड जो बच्चे हैं वो क्या देख के सीखते हैं तो मीन्स वो इमिटेट लर्निंग करते हैं इमिटेट करते हैं उनके सामने अपने पेरेंट्स को उनके सामने कोई और बड़ा है तो उनको तो जो चिल्ड्रेन है वो इमिटेट लर्निंग से सीखते हैं मीन्स नकल करके सीखना और जो एडल्ट लर्निंग है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है नेक्स्ट है एक्सटेंशन वर्क टू बी इफेक्टिव एंड रियल इट शुड बी जो भी एक्सटेंशन वर्क है वो इफेक्टिव होगा रियल होगा जब उसको स्टार्ट करेंगे हमने अभी पढ़ा कि एक्सटेंशन वर्क क्या है जो बाहर फील्ड में हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन वर्क और ये एक्सटेंशन वर्क इफेक्टिव हो उस इसके लिए क्या ज़रूरत है को एक्सटेंशन जो वर्क है उसको विलेज लेवल मीन्स जो बिल्कुल गांव के लेवल से अब उसको स्टार्ट करेंगे तब ये एक्सटेंशन वर्क जो है वो इफेक्टिव होगा ज़्यादा बेसिस ऑफ एनी एक्सटेंशन अप्रोच इज और मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है किसी भी एक्सटेंशन अप्रोच का वो है कि रूरल डेवलपमेंट मीन्स जो विलेज हैं ठीक है या विलेज है जो रूरल रूरल एरिया है उनको डेवलप करना ये मेन एक बेसिक अप्रोच है एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है ये किस पे बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग मींस हम जो प्रैक्टिकल काम करते हैं काम करके सीखना ये जो मेन प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का इसीलिए जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो पॉलिसी होती है उनमें लास्ट में होता है फीडबैक मींस लर्न करना बाई डूइंग जब हम काम करेंगे कुछ वहाँ से हम उसको इवेलुएट करेंगे फिर वहाँ से हम सीखेंगे और जब हम इवेलुएट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो भी हमने काम किया है उसका कितना अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते थे कहाँ पे गलत हुआ है तो ये है लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल एक्सटेंशन एजुकेशन किस पे काम करता है लर्निंग बाई डूइंग पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्पज ऑफ एक्सटेंशन इवेलुएशन एक्सटेंशन इवेलुएशन का मेन पर्पज़ का इवेलुएशन हम क्यों करते हैं कोई भी प्रोग्राम था तो हम उसमें एवोल्यूशन क्यों करते हैं हम देखते हैं उसका वीक पॉइंट कहाँ था मीन्स कहाँ पे प्रोग्राम है वो वीक था स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था जिसको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था तो उसको हम मेन बेसिस ले सकते हैं और जो वीक वीक पॉइंट था उसको इम्प्रूव करना उसके बाद गैप्स एंड एरर कहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं कहाँ पे ज़्यादा गैप है या कहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते थे कहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ ये सब चीज़ें इवेल्यूशन के थ्रू ये सब चीज़ें इवेलुएट करते हैं उसके बाद एक फीडबैक बन के तैयार होता है तो जो मेन पर्पज़ होता है इवेलुएशन का वो ये होता है कि जो भी प्रोग्राम हम वर्क कर रहे थे जिस भी प्रोग्राम पे हम काम कर रहे थे उस पर हम देखते हैं वीक पॉइंट्स क्या हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं उसके बाद गैप्स एंड एरर्स क्या हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर एक्सटेंशन एक्सटेंशन थ्रू कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उसके थ्रू कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप करना है कुछ उसको बोलते हैं साइबर एक्सटेंशन साइबर से ही क्लियर है साइबर कैप है मीन्स कंप्यूटर पर जो काम हो रहा है देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम एक्सटेंशन में भी पढ़ते हैं हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं तो इसका एक नेमोनिक्स है पोस्ट कॉर्प तो इसका एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा एक डिटेल वीडियो है और सिंपली अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर ये सिक्वेंस आपको याद है तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा Okay, क्योंकि अगर हम नेट की बात करें नेट लेवल के क्वेश्चन पेपर में अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर इनको सिकवेंस में अरेंज करने के लिए आता है कि जो मैनेजमेंट है फंक्शन के जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट के सॉरी जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है और उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि पहले क्या होगा अगर आप स्टार्ट में ही मीन्स आप स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन की तो वो आप उसके बाद धीरे धीरे वो हैबिट में आता है फिर याद हो जाता है पूरा सीक्वेंस याद हो जाता है बट अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तब याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए नेमोनिक्स है पोस्ट कार्ब अगर आपने ये याद कर लिया नेमोनिक्स तो आपको ये आपका यह सिक्वेंस कभी गलत नहीं होगा तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप इन्वॉल्व इन इंप्लीमेंटिंग अ प्लान कोई प्लान है उसको इंप्लीमेंट करने में कौन कौन से स्टेप लगती है मीन्स अगर कोई प्लान है या प्रोग्राम है जब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मीन्स उसको लागू कर रहे हैं क्रियान्वित कर रहे हैं कि वो कैसे फंक्शन करेगा तो उसमें क्या क्या स्टेप होती हैं जो भी हमारा प्लान था उसको एक्टिवेट करना जब मीन्स स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया फिर उसको कंट्रोल करते रहना कि कहीं पे कोई मिस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है फिर चेक करते रहना आगे चेक करते रहना कि हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो अवेलेबल हैं नहीं हैं और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो वहीं पे उसको एडजस्ट करना और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फैसिलिटेट करना जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना तो ये स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के एजुकेशन विच इज़ कैरीड आउट इन हाईली इंस्टीटोलाइज मैनर इज़ कॉल्ड एजुकेशन जो हाईली इंस्टीट्यूशनल जो हाई इंस्टीट्यूशनस हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में हैं वहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन हमने पढ़ा है ना कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है उसका एक फ़िक्स्ड करिकुलम होता है वहाँ पे एक फ़िक्स्ड फ़ी स्ट्रक्चर होता है एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एक पूरा सिक्वेंस में काम होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन जैसे नाइन्थ है टेंथ है एलेवेंथ है ये सब जो क्लासेस होंगे क्या है ये फॉर्मल एजुकेशन है नेक्स्ट आता है टू टीच एडल्ट विच बेस्ट सुटेबल एजुकेशन मैथड कैन बी यूज एडल्ट्स को टीच करने के लिए अभी हमने पढ़ा था एडल्ट की जो टीचिंग मेथड है उसको हम एंड्रोगी बोलते हैं उसके अलावा भी क्या सुटेबल मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं एजुकेशन के लिए तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन को यूज़ ये भी एक एजुकेशन मेथड है जिससे एडल्ट्स को टीच किया जाता है द करिकुलम कंटेंट ऑफ नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी अभी हमने ऊपर पढ़ा था फॉर्मल एजुकेशन जो कि पूरा फिक्स्ड करिकुलम है वहाँ पे टीचर्स जो है वो आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है मीन्स वो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो टीचर ओरिएंटेड है यहाँ पे बात की हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो कि फ्लेक्सिबल होता है और लर्नर ओरिएंटेड होता है फॉर्मल एजुकेशन फिक्स्ड होता है और टीचर ओरिएंटेड होता है और अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल की तो ये फ्लेक्सिबल होता है और लर्नर ओरिएंटेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ लर्नर सेंटर्ड एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली अगर हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें एक्सटेंशन एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं जो भी हमारे प्लान हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं तो ये सब हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे अगर हम किसी विलेज में गए और हमने वहाँ पे ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया हमारा जो प्लान था हमने वो काम करना स्टार्ट कर दिया तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो बेस्ड होती है लर्नर्स की नीड पे लाइक like अगर आपने किसी पहले आप अगर कोई प्ला, प्लान आप प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप कोई प्लान स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए पहले आप विलेज में जाओगे जहाँ पे भी आपको प्लान स्टार्ट करना है तो वहाँ के आप पहले देखोगे वहाँ के जो लोग हैं उनकी मेन बेसिक नीड क्या है उनकी प्रॉब्लम क्या है उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही तो आप प्लान जो है वो तैयार करते हैं तो मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो लर्नर के नीड्स पे बेस्ड होता है और ये एक्सटेंशन एजुकेशन जब लर्नर के नीड पे बेस्ड होगा तब जो ये ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन एजुकेशन इज इम्पार्टेंड एट एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ पे दी जाती है अगर हम बात करें स्पेशली तो आउटसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आउटसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक्सटेंशन वर्कर मस्ट बी बेस्ड ऑन जो एक्सटेंशन वर्क है हमने अभी पढ़ा कि जो भी एक्सटेंशन प्लान है एक्सटेंशन वर्क है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ़ पीपल या फिर जो हमारे लर्नर हैं उनकी नीड पे बेस्ड होना चाहिए और जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी नीड और इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए उसके बाद है कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम तो कम्युनिकेशन वर्ड भी कहाँ से आया है लैटिन वर्ड कॉम्बूनस और हमने पढ़ा था एक्सटेंशन वर्ग भी डिराइव जो वर्ड है वो भी कहाँ से डराइव किया गया है लैटिन वर्ड से तो एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन दोनों वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड किए गए हैं और कम्युनिकेशन वर्ड जो डिराइव किया गया है वो है कॉम्यूनिस्ट कॉम्युनिस्ट वर्ड से डिराइव किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंजेस आइडियाज़ फैक्ट्स फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन मीन्स जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को फेयर शेयर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं हमने ये सिंपल सा पढ़ पढ़ के रखा है कि अपनी बातें शेयर करना हमारे जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करना तो ये क्या आता है ये आता है कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ फैक्ट्स फीलिंग इंफॉर्मेशन इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सटेंशन टूल विच इज़ यूज टू मोटिवेट पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर इन एक्सटेंशन टूल विच इज़ यूज टू मोटिवेट पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर ऐसा एक्सटेंशन का कौन सा टूल है जिसको यूज़ किया जाता है जो भी लोग हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए और बिहेवियर को चेंज करना मीन्स पॉजिटिव वे में चेंज करना उनको कोई स्किल नया स्किल सिखाना या वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसको और इफ़ेक्टिवली कैसे किया जा सकता है इन सब चीज़ों को तो उनको सिखाना तो ये आता है कम्युनिकेशन के थ्रू और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इसको कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टूल है जो पीपल के बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है पीपल को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है तो वो है कम्युनिकेशन फिर है इंटर कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे दो लोगों के बीच में इसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं मीन्स जहाँ पे दो लोग सामने से बात कर रहे हैं उसको इंटरपर्सनल या फिर इंटर कम्युनिकेशन बोलते हैं मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन दो पीपल जब दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही होती है उसको इंटरपर्सनल फिर इंटर कम्युनिकेशन बोलते हैं और उसी का अपोजिट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंट्रा मीन्स कम्युनिकेशन विद इन या विद सेल्फ खुद से ही बातें करना कभी कभी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो जब तो बहुत ज़्यादा हम किसी काम में डिवोटेड हैं और हमें मज़ा आ रहा है काम करने में तो वहाँ पे हम खुद से ही बातें करने लगते हैं कि अच्छा ये स्टेप ऐसे करना है इसको ऐसे करना है तो वो हो गया इंट्रापर्सनल जब हम खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से ही आंसर दे रहे हैं वहाँ जब हम सेल्फ एक टाइप का सेल्फ ईल्यूशन भी बोल सकते हैं इंट्रापर्सनल में हम क्या एक टाइप का सेल्फ इवेल्यूशन भी करते हैं तो ये जब हम खुद से ही बातें करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन विद इन या फिर इंट्रापर्सनल और इसको यहां से भी याद कर सकते हैं यहाँ पे इंट्रा मीन्स ए ए मीन्स सेल्फ या हम अपने आप से बात करना ए मीन्स अपने आप से बात करना बचा क्या फिर इंटर कम्युनिकेशन यहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों से बात करना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल या फिर रिटर्न वर्बल मीन्स बोल के और नॉन वर्बल नॉन वर्बल को हम बोलते हैं रिटर्न जो हम लिख के कोई लेटर देते हैं कोई कोई सर्कुलर सर्कुलेट होता है तो वो आ जाएगा रिटर्न में और वर्बल मीन्स जहाँ पर सिंपली बोल के बोलते हैं कि ये काम करना है डायरेक्शन दे दिए वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन विच क्रिएट्स कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टेंग मिस अंडरस्टैंडिंग मीन्स ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन लाइक आप कभी आपने देखा होगा कि आपने किसी पर्सन को बोला कि ये काम करना है जाके आगे ट्रांसफ़र कर दो वो पर्सन जाके सामने जिसको किसी और को बोलना है तो अगर ये दो तीन स्टेप में ऐसे हो रहा है तो लास्ट पर्सन तक पहुँचते पहुँचते आधी इन्फॉर्मेशन तो चली जाती है कि प्रॉपरली बोला क्या गया था तो मीन्स यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि सबसे पहले बोला क्या गया था और लास्ट तक आते आते उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन बची है उसमें कितना ऐड ऑन हो गया है तो यहाँ से क्रिएट होता है कन्फ्यूज़न और यही अगर रिटर्न फॉर्म में कोई सर्कुलर निकला है कोई रिटर्न फॉर्म में कोई ऑर्डर आया है तो रिटर्न फॉर्म में वो सबके पास सेम ही जाएगा तो वहाँ से हमारे पास एक एविडेंस भी रहता है कि ऐसा लिख के दिया गया था और वहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है और जहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन और मिस मिस के चांसेस चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और अगर यहाँ पर क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा कम्युनिकेशन फास्ट है मीन कौन सा कम्युनिकेशन के थ्रू फास्ट है जिससे काम जल्दी होता है तो वर्बल कम्युनिकेशन फास्ट है बट यहाँ से कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है रिटर्न कम्युनिकेशन में प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है बट हमारे पास इसमें एविडेंस होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गुड लक बाय बाय